अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज और मूंग की पकौड़ी, जो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही करारी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने एक कांदा ले लिया है कट करके, और थोड़ी सी कड़ी पत्ते ले लिया है, 5-6 पत्तियाँ, और 5 मिर्ची ले ली है। इसमें इसको मैं बारीक सा पीस लूँगी, कट कर लूँगी, हो जाएगा एकदम बारीक बारीक। आप बारीक कट कर सकते हैं, मैं इसमें पीस लेती हूँ। तो ये बारीक पीस चुका है, ठीक है। तो मैंने 1 कटोरी मूंग दाल भिगो के ले ली है, इसे बारीक पीस लेंगे मिक्सी में। मैंने इसे 4-5 घंटे तक भिगो दिए थे, एकदम अच्छे से फूल गया है। चलिए मेरा पीस के हो गया। इसे पानी मत मिक्स करिएगा पीसते समय, वरना बहुत ही गीला गीला हो जाएगा, बिना पानी के ही अच्छा पिस जाता है ये। इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालूंगी और हल्दी डालूंगी 1 चम्मच। और ये जो मैंने कट करके रखा था प्याज और मिर्ची कड़ी पत्ता, वो मिक्स करेंगे इसमें। इसमें मैंने धनिया कट करके रख लिए है, धनिया मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा सादा नमक डालूंगी और थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। 1 चम्मच चाट मसाला मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे, जैसे मिर्ची और सब मिक्स हो जाए नमक उमक। चलिए ये हो गया है मिक्स। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है, चलिए उसमें डालते हैं। गैस को धीमा कर देना वरना जल जाएगा, फिर वो करारी नहीं बनेगी। इस तरह से लंबा लंबा बनाकर सारा डाल देंगे उसमें। चलिए इसे पलटी करते हैं। लाल सा हो गया, गोल्डन सा। इसमें अगर आप प्याज ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डालिएगा, प्याज की वजह से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काला नमक तो जरूर डालिएगा। और इसे ज़्यादा फास्ट करके मत बनाइएगा, वरना बीच में अंदर वो अच्छा नहीं लगता फिर खाने में। और किसी भी शेप का बना सकते हैं, मैं तो इसे इस तरह से लंबा लंबा बनाई हूँ, आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो या छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो, आपको जैसे जमे शेप में।
है, निकाल लेते हैं। देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है कलर। नाश्ता तैयार है, मेरी पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।